जमीन आसमान का फर्क आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हेड्स ऑफ जिसने भी योगी जी और मोदी जी को छोड़ के बाकी हर आदमी जो यहाँ काम कर रहा है, जो ये चीजें बना रहा है, वो देख के हम बहुत खुश हुए। आई थिंक ये सबसे पहले तो एयरपोर्ट बना, इतनी ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी में अपने आप चेंज बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे एयरपोर्ट बनने के बाद। एकदम जहाँ एयरपोर्ट बनता है वहाँ डेवलपमेंट जो है अपने आप बहुत तेजी में शुरू हो जाती है। ऐसा सुना है कि अब तो मतलब कि जिसे बहुत रैपिडली हर चीज ये नंबर वन तीर्थ स्थान बनेगा पूरी दुनिया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर जैसे अगर हम बात करें रामलला 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे सर, तो एक आपके फादर की बहुत बड़ी लिगेसी है, उन्होंने रामायण को घर घर पहुंचाया, लोग राम और हनुमान के रूप में आज भी वही फेस रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आज जो ये चीजें हो रही है, जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है, वो देखिए लगता है सर कि वो एक वही एरा वापस आ रहा है। बिल्कुल नहीं नहीं, ये जो बोलते हैं कलयुग के अंदर भी सतयुग आ रहा है, ये वैसा हो रहा है। और यानी हमेशा राम जी जन्म लेते हैं, जब जब भी ज्यादा तकलीफें आती हैं तो सोचो कि ये हमारे राम जी हैं, ये जो इतना कार्य कर रहे हैं दोनों, हमारे मोदी जी योगी जी, अनबिलीवेबल जी, बहुत सेवा कर रहे हैं देश की। और ऐसा ही होता है कि जब अच्छे लोग आते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। चूंकि आप हमेशा से ही इन चीज़ों में जुड़े रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके की आजकल राजनीति होती है इन चीज़ों पर कि मंदिर अधूरा है या जो है कौन नहीं आएगा कौन आएगा, वो देखिए सर क्या लगता है? वो गलत है वो सब, ये राजनीति ये छोड़ो, जो मंदिर मंदिर है, मंदिर में सब लोग आने चाहिए। और हमें एक चीज़ अच्छा लगता है कि ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो बहुत पसंद है हमें। सब लोग एक है, सिर्फ हिंदू ही नहीं है, सब लोग है, पूरे देश के हर आदमी सबके लिए, सबके लिए। अयोध्या के प्लेन में हम लोग बैठे थे और सारे नारे लग रहे थे जय श्री राम, तो जैसे प्लेन टेक ऑफ हुआ वैसे नारे लगे और जैसे लैंड हुआ वैसे भी लगे, वैसे लगे। तो वहाँ सारे बैठे हैं प्लेन के अंदर और सारे के सारे नारे लगा रहे, चाहे वो कोई भी कौन के हो, तो बहुत खुशी की बात है। और मंदिर में सारी दुनिया नहीं आ सकती, पहले दिन पे 22 तारीख को कितने लोग आ सकते हैं, तो सबको इनवाइट कर देंगे तो स्टैम्पेड हो जाएगी। तो बहुत सोच सोच के चुन चुन के लाना पड़ता है। एक तो पीएम आ रहे हैं, जब पीएम आते हैं वैसे प्रोटोकॉल बहुत होता है, तो क्या फायदा 22 तारीख को आना, बाद में आओ 23 तारीख। बहुत से लोग जिनको 22 को बुलाएगा वो भी नहीं आ रहे, वो बोलते अपनी अपनी इच्छा भाई। आपको समझना पड़ेगा जब मोदी जी आएंगे और तो मोदी जी आए तो बाकी दुनिया वहाँ आए तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत चंद लोग वहाँ होते हैं। अच्छा यहाँ आप रामलीला में आए, क्या रहेगी, क्या भूमिका रहेगी? ये रामलीला अयोध्या की रामलीला है, ये पहले दिन से अयोध्या से जुड़ी हुई है और अयोध्या जी में इतनी बड़ी रामलीला ये चल रही थी, 3 सालों से चल रही है और चलती जा रही है। तो इन्हें इस मौके पे भी बोला हमें रामलीला 16 से 22 करनी है, पर मैं तो हमारा शो है जय श्री राम, वो शो हर जगह चल रहा है देश में। 20 तारीख को मुंबई में डोम में है, बहुत बड़े जगह, 21 तारीख को नागपुर में है, 22 तारीख को थाना में है एकनाथ शिंदे जी का। तो मैं नहीं आ सकता था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे साथ जुड़े हो तो आप आओ। तो आज मैं एक शुरुआत करने आया हूँ ताकि आप बहुत बढ़िया तरीके से जाए। शिव जी का रोल करेंगे, शिव जी के अंश हैं हनुमान जी, तो आज पहली बार मैं जिंदगी में शिव जी का काम करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। लेकिन हनुमान जी हमारे दिल में बसते हैं और अयोध्या धाम मुझे लगता है मैं आपको बता ही दिया है पूरी दुनिया का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।